गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एंजाइम का रिवीजन करेंगे। उससे पहले सब क्वेश्चन देख लो कि आपको बनाना क्या क्या है। हम आपको एक एक्साइटमेंट भेजे थे, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइएगा स्टडी मटेरियल में, सरफेस केमिस्ट्री को फाइल को ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या है, अगर आप पढ़ना चाहे तो एनसीईआरटी में एंजाइम कैटलिस्ट एडजॉर्प्शन पेज नंबर 121 से लेकर 133 तक। ठीक है, 121 से लेकर कहाँ तक, 133 तक एनसीईआरटी में एंजाइम कैटलिस्ट एडजॉर्प्शन कहाँ कहाँ मिलेगा, 121 से लेकर 133 हो गया। पढ़ सकते हैं, जिनको ना पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नोट्स को बार बार पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता है और भी हम बातें जानते हैं इसके अलावा, तो उन सभी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, तो एनसीईआरटी पढ़े आप, और जिनको पढ़ना है इन सारे पेज को पढ़े, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करके पूछ लीजिए। चलिए, उसके बाद एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं इन तीनों टॉपिक से, एंजाइम कैटलिस्ट एडजॉर्प्शन से, तो लिखा हुआ है पेज नंबर 127 में 5.1, 5.2, 5.3, पेज नंबर 132 में 5.4, 5.5, 5.6, पेज नंबर 146 में 5.1, 5.2 दिख रहा है, आप लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी में इतना क्वेश्चन आप एंजाइम कैटलिस्ट एडजॉर्प्शन से बना सकते हैं, किससे, एंजाइम से, कैटलिस्ट से और एडजॉर्प्शन से, एनसीईआरटी में इतना क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, क्योंकि इन सब चैप्टर से एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट वही आता है, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। हो गया, चलिए, हम आपको एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए थे, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराए थे। हाँ, एक और बात, अगर वो ना दिखे तो हमको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आप उसका पेज भेज देंगे। ठीक है, ना दिखेगा तो फिर से दोबारा क्लिक करके दे देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन में क्या क्या बनाना भाई, लिखा हुआ आप देख लीजिए की क्वेश्चन में ये सब दिख रहा है। क्वेश्चन बैंक ऑफ बिहार बोर्ड, ये बिहार बोर्ड वाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बिहार बोर्ड वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ज़रूर बनाना, बिहार बोर्ड वाला और एनसीईआरटी तो बनाना ही है, चाहिए सबको। देख लीजिए क्वेश्चन बैंक ऑफ बिहार बोर्ड में कौन कौन है, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक ऑफ सीबीएसई कहाँ से लेकर, 1 से लेकर 31 तक। ठीक है, बिहार बोर्ड में इतना ही क्वेश्चन पूछा है इन तीनों से, लेकिन सीबीएसई में 31 क्वेश्चन इसे पूछ चुका है। ठीक है, उसके अलावा हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पर, तो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है देख लीजिए, इतना नंबर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंजाइम कैटलिस्ट और एडजॉर्प्शन से, इन सबको बनाना है, कल इसका वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, हर एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है, सब आपको कल वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अगर आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं जेई का, नीट का, एआईपीएमटी का, तो इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, एडिशनल है, आपको बनाने का मन है तो बनाइएगा, नहीं बनाने का मन होगा तो नहीं बनाइएगा, बट ये कन्फर्म है कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को भी। तो फिर से एक बार, एंजाइम कैटलिस्ट एडजॉर्प्शन को पेज नंबर पढ़ना है एनसीईआरटी में तो 131 से लेकर 133, ये क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का। ठीक है, पेज नंबर लिखा हुआ है सर, आप देख लीजिएगा की क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन बैंक ऑफ बिहार बोर्ड, ये क्या है, क्वेश्चन बैंक ऑफ सीबीएसई, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो बोर्ड के लिए क्या क्या जरूरी है, की क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक ऑफ बिहार बोर्ड एंड ऑब्जेक्टिव, और सीबीएसई के लिए क्या जरूरी है, तो क्वेश्चन बैंक ऑफ सीबीएसई एंड ऑब्जेक्टिव। जल्दी थोड़ा इसको जल्दी आप इसको लिखिए, या रोक के लिख सकते हैं आप जल्दी, फिर भी हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी इसको लिखिए, क्योंकि इसके बाद हम आपको एंजाइम का रिवीजन करा देंगे। हो गया, चलिए आप रोक के लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लास है नहीं किशर, थोड़ा वेट कीजिए।
ठीक है। चलिए अब किसका रिवीजन करते हम लोग, रीकैप ऑफ एंजाइम, इसलिए हम करा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन सब बना लें और कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर क्लोराइड स्टार्ट करेंगे। चलिए रिवीजन ऑफ एंजाइम में देखिए, सबसे पहली बात ये है कि सर बताइए एंजाइम क्या है, बताइए एंजाइम क्या है। तो पहली बात कि ये प्रोटीन है, क्या है सर, प्रोटीन है जिसकी मॉलिकुलर मास क्या होता है सर, हाई होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ से मिलता है ये, अच्छा ये कौन सा कंपाउंड होता है, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। कहाँ से मिलता है या बता दीजिए एक बार, कहाँ से मिलता है, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी मॉलिकुलर मास हाई है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग पेड़ पौधा और क्या बोले प्लांट से और एनिमल से मिलता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये करता क्या है, द रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए बायोकेमिकल कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब बायोकेमिकल कैटालिसिस, क्या बोलते हैं इसको, बायोकेमिकल कैटालिसिस। चलिए एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी मॉलिकुलर मास हाई है, ये नाइट्रोजन ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग प्लांट और एनिमल से मिलता है, ये क्या करता है, तो रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, और ये फिनोमिनन क्या कहलाता है, बायोकेमिकल कैटालिसिस। जैसे एग्जाम्पल, अच्छा हाँ इसका कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, एक ट्रिक बताए थे कि सब के अंत में क्या लगा हुआ रहता है, एज, क्या लगा हुआ रहता है, एज, तो ज़रा बताइए, तो इसका बताइए इन्वर्टेज, क्या सर, इन्वर्टेज, और बोल दीजिए डाइस्टेज, और बोल दीजिए यूरेज, और बोल दीजिए माल्टेज, ठीक है। देखिए इन्वर्टेज, डाइस्टेज, यूरेज, माल्टेज, जाइमेज, और बोलिए पेप्सिन, और बोलिए ट्राइप्सिन, और बोलिए लैक्टोबैसिलस, कोई दिक्कत किसी को, एग्जाम्पल भी करा दिए। अगर आपको लिखना है तो जल्दी लिख सकते हैं इसको, ये आपका समअप की तरह काम करेगा, इतना ही एक दो पेज में भी एंजाइम को आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए रोक के आप लिखिएगा क्योंकि इस समय टाइम फालतू में वेस्ट करने का कोई मतलब, फालतू में ख़राब करने का कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर बात किया जाए कि सर एंजाइम के, तो जान गए हम लोग, अब ये बता दीजिए कि कुछ रिएक्शन बताइए, तो जल्दी सिनमा जो एंजाइम वाला होता है, तो बोल दीजिए मिल्क को अगर हम सर कर्ड में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या डालेंगे, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, और लैक्टोबैसिलस कहाँ से मिलता है, कर्ड से। अच्छा एक एग्जांपल तो हो गया, दूसरा जल्दी बता दीजिए, याद है आपको ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज में क्या डाल दीजिए, जाइमेज, क्या करेगा ये भाई साहब, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। तीसरा बता दीजिए तो सुक्रोज यानी कि केन शुगर ना, केन शुगर में क्या डाल दीजिए, केन शुगर में हम डाल दिए इन्वर्टेज, क्या डाल दिए, इन्वर्टेज, क्या करेगा यह, ग्लूकोज और प्लस क्या बना देगा, ग्लूकोज और प्लस क्या बना देगा, फ्रक्टोज, कोई दिक्कत, चलिए जल्दी बता दीजिए। फोर्थ बता दीजिए क्या हो जाएगा, एक और बोलिए यूरिया ना, यूरिया
के साथ कौन, अच्छा याद है ना यहाँ पर वाटर रहता है, हम नहीं लिख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर उस आप देख लीजिएगा हम रिएक्शन में बता चुके हैं। यूरिया में हम लोग क्या डाल देंगे जल्दी बोल दीजिए तो, यूरेज ना, यूरेज क्या करेगा, यूरिया को अमोनिया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट बोलिएगा फाइव जल्दी बता दीजिए तो, कौन माल्टोज ना, माल्टोज में क्या डाल देंगे, माल्टेज, क्या डाल देंगे, माल्टेज, तो क्या करेगा यह दो बार क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सिक्स जल्दी बता दीजिए कौन सा, स्टार्च ना, स्टार्च में हम लोग क्या डाल देंगे, डाइस्टेज, क्या डाल देंगे, डाइस्टेज, तो ये क्या काम करेगा जल्दी बता दीजिए, ये ना माल्टोज बनाएगा, क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा। सेवन बता दीजिए कौन, प्रोटीन, प्रोटीन में हम लोग क्या डाल देंगे जल्दी बता दीजिए, पेप्सिन ना, तो ये क्या करेगा, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड में। और नेक्स्ट इसी का पार्ट है ना, बोलिए प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट कर देगा, बोलिए इंस्टेंस्टाइन में कौन, ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड में। कोई दिक्कत आपको, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, तो मिल्क से कर्ड में बदलने वाला कौन, लैक्टोबैसिलस। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने वाला कौन, बोलिए जाइमेज। केन शुगर को ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलने वाला कौन, इन्वर्टेज। यूरिया को अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने वाला कौन, यूरेज। माल्टोज को दो मोल ग्लूकोज में बदलने वाला कौन, माल्टेज। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला कौन, डाइस्टेज। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने वाला कौन, पेप्सिन। और प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने वाला कौन, ट्राइप्सिन। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अच्छा हम आपसे क्वेश्चन पूछे, यूरेज कहाँ से मिलता है बता दीजिए जल्दी, यूरेज कहाँ से मिलता है, याद है सोयाबीन से, तो सोर्स भी हम लिखाए होंगे कि कौन कहाँ से मिलता है, ठीक है ना, जल्दी इसको। अच्छा ये सब क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज पेप्टाइड एमिनो एसिड, ये सब आपको एक चैप्टर में पढ़ना है बायो मॉलिक्यूल्स में, अभी ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा ये सब चीज़ों पे, अभी तो बस ये पूछेगा ना कि जाइमेज क्या करता है, तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, या पूछेगा कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल, आप क्वेश्चन बनाइएगा ना आपको पता चल जाएगा, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाला कौन सा एंजाइम होते हैं, तो जाइमेज, ठीक है, रोक के लिख लीजिएगा। अब हम अगर बात करें किसका, अगला बता दीजिए सर, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किन चीज़ों का, कि एंजाइम की खासियत क्या क्या है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये बायो केमिकल कैटलिस्ट है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बता दीजिए जल्दी बोलिए, दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि यह इंक्रीज करता है भाई किसको, तो बायो केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, रेट को बढ़ा देता है, बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तीसरी बात करें, आप समझ रहे हैं हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्या करता है बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ बायो केमिकल रिएक्शन को ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तीसरी बात क्या बताए थे, को इंजाइम और कौन सा, एक्टिवेटर, यही ना। अच्छा को इंजाइम क्या है बोलिए, को इंजाइम क्या है, नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं है, और ये कौन होता है, तो विटामिन होता है, कौन होता है, विटामिन, क्या करता है, तो ये भाई साहब एक्टिविटी ऑफ क्या, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा ये क्या है, एक्टिवेटर क्या है जल्दी बोल दीजिए, मेटल आयंस है, क्या है, मेटल आयंस। एग्जांपल बोलिए तो कुछ जल्दी बोल दीजिए, Na प्लस हो जाएगा, बोलिए CO2 प्लस हो जाएगा, समझ गए ना, और बोल दीजिए CO2 प्लस हो जाएगा ETC। अच्छा ये किसके एक्टिव, कौन सा एंजाइम के बढ़ाता है, तो एमाइलेज एक एंजाइम है जिसके एक्टिविटी को Na प्लस बढ़ा देता है। ये भी क्या करता है, तो ये भी करता है क्या, कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इंक्रीज कर देता है। कोई प्रॉब्लम किसी को,
तो बोलिए कोएंजाइम क्या है, जो एंजाइम की जो काम करने की क्षमता होता है उसको बढ़ा देता है, एक प्रकार का नॉन प्रोटीन विटामिन होते हैं। एक्टिवेटर क्या होते हैं, तो मेटल आयंस होते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, ये भी क्या करता है तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को बढ़ा देता है। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? चलिए अगर हम लोग फोर्ट की बात करेंगे तो फोर्ट तो आपको पता ही है इनहैबिटर, इनहैबिटर्स ना, चलिए इनहैबिटर्स या और क्या बोलते हैं इसको पॉइजन्स, ये क्या काम करता है बोलिए, ये क्या काम करता है कि एक्टिविटी ऑफ क्या सर, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को ये क्या कर देता है, घटा देता है। कुछ एग्जांपल जल्दी बता दीजिए, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, एजी प्लस और क्या Hg2+, ठीक है। आपको इसको डिटेल्स में पढ़ना है तो फिर देखिएगा एंजाइम का 1, एंजाइम का 2 और एंजाइम का 3, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ये सब समझ रहे हैं ना, कोएंजाइम एक्टिवेटर एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देगा, क्यों घटा देगा भाई, क्योंकि एंजाइम सॉरी बढ़ा देगा, क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि एंजाइम के जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके जो एक्टिव साइड होंगे उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, एंजाइम में जितने भी एक्टिव सेंटर होंगे उनके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे सबको डीएक्टिवेट कर देगा और ए वाला भाई साहब एक्टिवेट कर देंगे, तो और तेज़ी से काम करेगा कौन, एंजाइम। इससे क्या होगा कि बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए हम लोग पॉइजन, कोई भी पॉइजन खाता है तो धीरे धीरे उसके बॉडी में जो भी एंजाइम काम करता रहता है वो उसके जो फंक्शन होते हैं सब डीएक्टिवेट करेगा, और डीएक्टिवेट करेगा तो एक्टिविटी एंजाइम की घटेगी, और एक्टिविटी घटेगा तो हमारे शरीर का जो बायोकेमिकल रिएक्शन सब चल रहा है वो धीरे धीरे उसका रेट घटेगा, इसलिए हम लोग उसके बाद क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो शेयर हम लोग 5 में क्या पढ़े थे, तो ज़रा एक बार बता दीजिए, 5 में हम एक लाइन ही लिखेंगे, मोस्ट इफ़िशियंट है, ठीक है, बस छोटी सी बात लिख देते हैं, मोस्ट इफ़िशियंट। अब कहिए कि मोस्ट इफ़िशियंट क्या है सर, ये मोस्ट इफ़िशियंट क्या है, तो आपको बताए थे ना कि एंजाइम का कितना, बोलिए एंजाइम का एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, रिएक्टेंट के 10^6 मॉलिक्यूल्स के, ये क्या है ज़रा बोलिए तो, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, क्या है ये, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है, एंजाइम, मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। तो ज़रा सोचिए एंजाइम का एक मॉलिक्यूल किसी रिएक्टेंट के कितने 10^6 मॉलिक्यूल को तहस नहस कर देता है, मतलब उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देता है। बोल सकते हैं बाहुबली के भी बाप का बाप है, मतलब यही ना कि एक बहुत कम रहता है फिर भी इंटायर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे दूध कितना भी रहे हम लोग उसमें लैक्टोबैसिलस थोड़ा ही डालते हैं, 5 लीटर दूध होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो उसमें कर्ड डालते हैं उसमें जो लैक्टोबैसिलस डालते हैं क्या उतना ही डालते हैं या बहुत कम डालते हैं, बहुत कम डालते हैं, और जो कम होता है वो भी उस पूरे रिएक्टेंट को पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए अगला अगर हम लोग 6 में बात करें, समझ गए ना, मोस्ट इफ़िशियंट होते हैं, अगला क्या होते हैं, हाईली, ठीक है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ मोस्ट इफ़िशियंट, ऐसा लिख लीजिए बेटर हो जाएगा, 5 इट इज मोस्ट इफ़िशियंट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि सर, इसका मतलब ये है कि ए पार्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन को अगर कैटालाइज्ड करेगा तो कौन, ए पार्टिकुलर एंजाइम। मतलब इसका मतलब यही है कि कोई एक पार्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहा है, अगर उसके रेट को चेंज करना है तो कोई एक ही एंजाइम करेगा। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को हम क्या चीज़ में, इथाइल अल्कोहल
और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं। ग्लूकोज को हम लोग इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं। तो सर एक बार हमको ज़रा बता दीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं, जाइमेज, क्या डालते हैं, जाइमेज। तो आप खुद सोच के देखिए कि यह जाइमेज क्या करता है कि इथाइल अल्कोहल को, सॉरी, ग्लूकोज को क्या चीज़ में कन्वर्ट करता है, इथाइल अल्कोहल में। तो यह काम केवल कौन करेगा, जाइमेज। तो हो गया ना भाई हाईली स्पेसिफिक, हो गया हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि एक रिएक्शन को, कोई एक पार्टिकुलर रिएक्शन को एक ही एंजाइम कैटालाइज कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यहाँ पर हम यूरेज नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग माल्टेज नहीं डाल सकते, यहाँ पर हम लोग डाइस्टेज इन्वर्टेज नहीं डाल सकते, यहाँ पर हमेशा क्या डालेंगे, जाइमेज ही डालेंगे, कोई दिक्कत। सेवन में याद है आपको कौन सा टेम्परेचर, जल्दी पूरा नहीं याद रखना, बस ये याद रखिएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम की एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक, ठीक है, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज मैक्सिमम, वह टेम्परेचर जहाँ पर, ठीक है, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या हो, मैक्सिमम। और ज़रा इसका रेंज बता दीजिए तो 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन, कोई प्रॉब्लम। इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इस रेंज के टेम्परेचर में, इस रेंज के टेम्परेचर में एंजाइम सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। कितना, 298 केल्विन से लेकर 310, इससे पहले भी कम करेगा और इसके बाद भी कम करेगा। तो सबसे ज़्यादा किस पे काम करता है, 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन तक, कोई प्रॉब्लम किसी को भी। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, तो वह टेम्परेचर जहाँ पर रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन मैक्सिमम होता है उसी को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और ये कितना होता है, 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन तक। अच्छा, ह्यूमन हम लोग के लिए कितना, 310 केल्विन, कोई प्रॉब्लम, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, ठीक है। और एट नंबर में क्या हो जाएगा सर, जल्दी बता दीजिए। एट नंबर में हो जाएगा ऑप्टिमम पीएच, ठीक है ना, ऑप्टिमम पीएच। बता दीजिए एक बार ज़रा, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज मैक्सिमम, वह पीएच जहां पर, अब ये इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 5 से लेकर 7 तक, ठीक है, 5 से लेकर 7 तक, वही सेम उसकी स्टोरी है, 5 से लेकर 7 तक रहेगा। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन मैक्सिमम होगा। एक बार इसको देखिए जल्दी आप, इसका 3 लेक्चर है, आप वहाँ पर जा के देख सकते हैं, ऐप पर केम सोसाइटी का ऐप है, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं, सारे लेक्चर आपको दिख जाएंगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हो गया, यह हटाते हैं हम, बहुत डिटेल्स में हम इसको पढ़ाए हुए हैं, सभी चीज़ों को अच्छे से समझाए हुए हैं। चलिए, अब अगला क्या है सर, इसका मैकेनिज्म क्या है, एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है, कोई बोलिए तो ज़रा, किस पे डिपेंड करता है, की लॉक फार्मूला पर। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो किस पे डिपेंड करता है, की लॉक फार्मूला पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंजाइम सबसे पहले रिएक्टेंट सब्सट्रेट के पास जाएगा और दोनों मिलकर ES बना लेगा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कोई प्रॉब्लम किसी को। अब इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज़्यादा होता है तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, एंजाइम, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपको तो पता है ना कि ग्लूकोज में हम लोग क्या डालते हैं, जाइमेज, ग्लूकोज में क्या डालते हैं, जाइमेज। तो यह क्या करता है, क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल और प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका ई हो गया, ठीक है, ई हो गया, और ये आपका एस हो गया। तो पहले, सबसे पहले हम लोग जाइमेज को ग्लूकोज में डालेंगे,
चलिए डाल दिए, दोनों मिल गया, क्या बनाया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगा। अब क्या होगा कि थोड़े देर के बाद धीरे धीरे इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो गया, तो ईएस में अब ईपी हो गया। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग चाहेंगे कुछ देर के बाद तो हम इस प्रोडक्ट को अलग कर लेंगे और जाइमेज को भी अलग कर सकते हैं। मतलब इंजाइम जाएगा रिएक्टेंट के पास, उससे जुड़ेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर अपने में प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा और ख़ुद भी अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट को भी अलग कर लेगा। अगर मिल्क वाला एग्जांपल है तो ये हो गया लैक्टोबैसिलस, ये हो गया मिल्क, दोनों मिला, उसमें कर्ड बनना स्टार्ट हो गया, फिर आप लैक्टोबैसिलस को अलग कर सकते हो और कर्ड को भी अलग कर सकते हो। उसी तरह से जैसे ताला चाबी का फार्मूला है, ताला को हम लोग लॉक को क्या करते हैं, की के पास ले जाते, सॉरी की को किसके पास लाते हैं, लॉक के पास, दोनों को इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म होता है और उसी के साथ मतलब कि उसके बाद हम ताला की को भी अलग कर सकते हैं और लॉक को भी अलग कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हम आपको एंजाइम पढ़ा दिए, अभी भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए।